जोधा बेटा आओ। प्रणाम मम्मी जान, आपने बुलाया? बैठो। मम्मी जान ये क्या है? ये कढ़ाई के सुई धागे हैं। हालांकि कशीदा में हम हमेशा से कमजोर रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तुम सोच रही होगी ना कि इस उम्र में हमें ये सब करने की क्या जरूरत है। मसला ये है जोधा कि कई बार हम कुछ चीजें मुश्किल उठाकर भी अपनों की खुशी के लिए करते हैं, पर ये सब तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है। तुम्हारे मायके में भी तो रस्म रिवाज और तहजीब बनाए रखने के लिए रानियां कितनी कोशिश करती हैं, तुम्हारी वालिदा भी है ना। बस यूं ही समझ लो कि मीना बाजार भी इसी किस्म का एक रिवाज है जो बरसों से मुगल सल्तनत में चला आ रहा है। जानती हो मीना बाजार क्यों सजाया जाता है? जी, बादशाह को प्रभावित करने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए, जहाँ हरम की स्त्रियां बादशाह की दृष्टि में ऊंचा उठने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती हैं। पर जोधा, जब पहली बार मीना बाजार लगाया गया तब उसके पीछे की सोच बहुत बड़ी थी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। क्या बात है जाविदा, ऐसी क्या चीज है आपके पास जो आप हमसे छुपा रही हैं? बहुत कुछ है अम्मी जान, हमारे पास है एकदम कमाल की तरकीब है जो मीना बाजार में तहलका कर देगी। आप तो खुशी के मारे एकदम फूल जाएंगी, बिल्कुल बिरयानी के चावलों की तरह। अच्छा जाविदा, हम बिरयानी के चावल की तरह फूलना चाहते हैं। बताओ क्या है वो चीज? आप ही से सीखा है, दीवारों के तो कान भी होते हैं ना। ये बात तो सही कही आपने। ठीक है, आप हमें बताइए मत, बस आपने जो लिखा वो पढ़ने दीजिए। ना बाबा, अब जिस शाह ने दीवार को कान दिए उसी ने अगर दीवारों को आंखें भी दी हो तो दीवारें देख भी तो सकती हैं ना। जाविदा, काफी वक्त के बाद आज हमारा मिजाज बहुत अच्छा है। हमें भी बताइए क्या खुशखबरी है। हम बेगम जोधा के लिए खुश हैं। कहाँ अम्मी जान, अब जोधा बेगम की जिंदगी में कहाँ खुशी, उनकी जिंदगी में तो हर वक्त एक ना एक नई मुश्किल तैयार रहती है। ये बात सही कही आपने, लेकिन अब आपकी बेगम जोधा की मुश्किलें आसान होने वाली है। बेगम जोधा अपने मायके जा रही, अब बेगम जोधा की सारे मुश्किलों से पीछा छूट जाएगा। क्यों, आप कहाँ जा रही हैं अम्मी जान? जाविदा, हमारे कहने का मतलब ये था कि जोधा बेगम की तरह आप पर भी तो शहंशाह के होने वाले वारिस के कत्ल का इल्जाम था ना, तो हमें लगा कि जोधा बेगम की तरह आप भी अपने मायके जा रही हैं। बड़ी नटखट है आप। जब बेगम जोधा मायके जा रही है कोई और नहीं, वैसे बेगम जोधा को आगरा से कभी मोहब्बत ही नहीं, बेहतर यही है कि वह आमेर लौट जाए। कम से कम वो वहां अपने तरीके से जी सकेंगी सुकून से, और यहाँ हम, हमारे कहने का मतलब है हमारा हरम यहाँ हमारे तौर तरीके से चलेगा। अब हमें तो बहुत याद आएगी जोधा बेगम। अगर ऐसी बात है तो आपकी भी तैयारी करवा देते और आपको भी भेज देते आमेर बेगम जोधा के साथ। हम चले गए तो आपको सेवैयां कौन खिलाएगा, और वैसे भी फिर आपका गला, हमारे कहने का मतलब है आपका सर कौन दबाएगा। जोधा तो क्या, हम तो जन्नत के लिए भी आपका साथ ना छोड़े। अब आपका साथ ही तो हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी है ना अम्मी जान। और आपका हमारे जिंदगी में होना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। हाँ, कुछ कहा आपने? शरबत चाहिए हमें, ठंडा। जी अम्मी जान, हम अभी से अभी अच्छा सा आपके लिए शरबत लेके आते हैं। ठीक है। क्या हुआ जोधा, क्या कहा मलिका आजम ने? हमें मीना बाजार में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। पर तुम्हारी इच्छा तो नहीं थी? हाँ, हमारा मन तो नहीं है, परंतु अम्मी जान का मन तो रखना ही पड़ेगा ना। तो फिर दुकान में कुछ ऐसा रखना होगा जो शहंशाह को बहुत प्रिय हो, या फिर ऐसा कुछ जो शहंशाह को अप्रिय लगे। क्या सोच रही है? कुछ नहीं। ये क्यों, होली कल है और तुमने आज से खेलना प्रारंभ कर दिया? नहीं जोधा, कुमकुम भर रही थी डिबिया में, चुनरी पे गिर गया होगा। होली यहाँ कहाँ, होली तो आमेर में होती थी जहाँ तन के साथ साथ मन भी रंग जाता था। बाकी बातें बाद में, अभी समय बहुत कम है,
हमें मीना बाजार की तैयारियां करनी है। क्या करना चाहती हैं? इधर आओ। जोधा बाई, आप सच में ये करना चाहती हैं? एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया। कितना भिन्न अनुभव है ना यहाँ का। हाँ, हाट बाजार तो आमेर में भी लगते रहे हैं, लेकिन यहाँ की बात निराली है। केवल स्त्रियाँ ही उपस्थित हैं यहाँ। हुजूर, यहाँ देखिए मेरे सरताज, हमारे खेमे पे अपने पाक कदमों के इस्तकबाल का मौका दीजिए। अब तो मौका भी है, मौसम भी और दस्तूर भी। अब तो बता दो रुकिए कि इस बार क्या खास है हमारे लिए इस मीना बाजार में। हिंदुस्तान के बेहतरीन कारीगरी वाले दुपट्टे, शहंशाह को पेशे खिदमत है। वाकई बेपनाह खूबसूरत हैं ये दुपट्टे। रुके, यहाँ हमारे लिए 3 दुपट्टे निकाल दो हमारी 3 खास बेगमों के लिए। जरूर शहंशाह। ये लीजिए शहंशाह, सोने और चांदी के कशीदे से सजे हुए दुपट्टे, ये हरा, ये सफेद और ये गुलाबी। गुलाबी दुपट्टा हम आपका नजर करते हैं, आप मुस्कुरा तो ऐसे रही हैं जैसे ये बेशकीमती हो। जिसे शहंशाह ने सबसे पहले नजर किया है उसकी तो कीमत वैसे ही बढ़ जाती है। सोच लीजिए, ये 3 दुपट्टे बहुत ही महंगे हैं। शहंशाह की बेगम की शान में क्या महंगा क्या सस्ता। आज आपकी तिजारत है, कीमत चाहे कितनी भी हो खजाने से अदा कर दी जाएगी। वाकई आज की सबसे कीमती खरीदार होगी ये। शुक्रिया शहंशाह। मनुष्य हो या वस्तु, रंग पल भर में उसकी प्रकृति ही बदल देते हैं। आपका ये श्वेत दुपट्टा ही देख लीजिए, ये श्वेत रंग का है, शांति की भावना इसमें छिपी हुई है। परंतु जैसे ही इस पर दूसरा रंग पड़ेगा इसकी पूरी भावना ही बदल जाएगी। रंग और भावना का गहन संबंध है। कल होली है और हमारे यहाँ लोग एक दूसरे पर रंग छिड़ककर होली का उत्सव मनाते हैं, और इसलिए हमने रंगों की दुकान लगाकर अपनी भावना जताने की कोशिश की है। परंतु आप इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि ना तो आप में भावना है और ना ही उसे समझने का हृदय। एक शहंशाह का काम जज्बात और दिल से नहीं होता है, जोधा बेगम कायदों से होता है। और यहाँ का कायदा यह है कि हम जिस भी खेमे में जाएंगे वहां से कुछ ना कुछ खरीदेंगे जरूर। सुनो, इन्हें जितना रंग चाहिए उतना दे दो। हम यहाँ कुछ लेने नहीं खरीदने आए हैं जोधा बेगम। शहंशाह, तो आपने जोधा बेगम के सारे रंग खरीद ही लिए ताकि उन्हें ये पैगाम मिल जाए कि उनकी जिंदगी का हर एक रंग हमारी मर्जी से
अब फिर ये उनकी पहली और आखिरी होली होगी। हम चाहेंगे कि वो उसे खुश होकर मनाए। आप हंस रही हैं? वो इसलिए कि हमने पहली ऐसी औरत देखी है जो अपनी जिंदगी को बेरंग होता देख भी बहुत खुश है। सच कहे शहनशाह, हमारा मन करता है कि हम जोधा बेगम के ऊपर मुकम्मल एक किताब लिख दें। आपने उसके चेहरे का रंग उतारने के लिए उसके सारे रंग खरीद लिए, अच्छा लगा हमें। हम आपके लिए कुछ लाए हैं। अब हमें जा सकते हैं। जानते ही नहीं थे अम्मी जान कि आपको हमारे पर्व के बारे में इतना कुछ पता है। तुम्हारे मजहब, उसके कायदे और तहजीब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं हम। फिर तो अब ये भी समझती होंगी कि ये पर्व हमारे लिए कितना बड़ा है। होली का पर्व न केवल प्रसन्नता लेकर आता है बल्कि बीते हुए समय की स्मृतियां भी साथ में लेकर आ जाता है। अम्मी जान, हम ना तो इस महल के नियम को तोड़ना चाहते हैं और ना ही बहुत तड़क भड़क के साथ होली खेलकर किसी को उलझन में डालना चाहते हैं। हम तो बस अपनी सखियों के साथ या फिर कोई भी प्रसन्नता से हमारे साथ इस पर्व में सम्मिलित होना चाहे उसके साथ होली खेलना चाहते हैं। क्या जलाल ने हाँ कर दी है? जी, उन्होंने तो हमें अनुमति दे दी है। परंतु अम्मी जान, अब मासा की जगह आप हैं यहाँ पर, इसलिए आपकी आज्ञा भी उतनी ही आवश्यक है। बताइए, क्या हम होली खेल सकते हैं? बेशक खेल सकती हो, पर तुम्हारे मजहब की तहजीब की इज्जत करते हैं हम, और हमें खुशी है कि धीरे धीरे जलाल भी ये सब समझने लगा है। अम्मी जान, हम आपके लिए भेंट लेकर आए हैं अपनी स्मृति के लिए, लीजिए। यादगार तो वो देकर जाता है जो कोई जा रहा हो। कहीं जा रही हो तुम? बच्चों को आशीष देने के लिए माता पिता को किसी भी बहाने की आवश्यकता नहीं होती है, और ना ही बड़ों को भेंट देने के लिए छोटों को किसी भी अवसर की प्रतीक्षा। हमारे मन में आया तो हमने अपनी अम्मी जान को भेंट दे दिया। तुम्हारी दी हुई हर चीज हमारे लिए अनमोल है जोधा। इस तोहफे को हम बहुत संभाल कर रखेंगे। प्रणाम अम्मी जान। रेवा, ये रंग यहाँ पर क्यों रखे? इन्हें बाहर रखवाओ ना। शहनशाह ने भिजवाए। आप सबके साथ आबेर में होली खेलने में कितना आनंद आता है, है ना सुजामल भाई साहब? रहने दो जोधा, सभी लड़कियां ऐसा कहती हैं। एक बार विवाह हो जाए तो सब मायका भूलकर पति के रंग में रंग जाती हैं। देखना, शादी पश्चात तुम भी ऐसा ही करोगी। अरे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी। हम सब यहाँ पर होली खेलेंगे, और वैसे भी यहाँ पर ये हमारी, जानते हैं बेगम साहिबा, ये यहाँ आपकी पहली होली है। हम भी चाहते हैं कि अपना त्योहार मनाएं, परंतु महामंगा जी, लगता है कि उन्हें किसी ने सूचना न दी हो, क्योंकि शहंशाह अम्मी जान ने स्वयं हमें होली खेलने की अनुमति दी है। तो फिर भाई किस बात का? तुम सब हमारे साथ होली अवश्य खेलोगी। ईश्वर का कोटि-कोटि धन्यवाद, आपको यहाँ भेज दिया। आपके सहारे यहाँ पर सांस लेने की स्वतंत्रता तो मिलेगी। अब धन्यवाद छोड़ो और रंगों के रंग में डूब जाओ।
हमें क्षमा कर दीजिए महामंगा जी। हमने जानबूझकर आपको ये कुछ ठीक नहीं हुआ रानी साहब। महामंगा का इस तरीके से शांत रहना अच्छा संकेत नहीं है। ये तो चक्रवात से पहले की शांति जैसा है। हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हमें समझ नहीं आ रहा है अब हम क्या करें। गुस्ताखी माफ शहंशाह, लेकिन महल में गजब हो गया। क्या हुआ जी? दरअसल वो वजीरे आलिया महामंगा उन्हें क्या हुआ? बड़ी अम्मी को हमें बताओ। रेशम, तुम्हारी जबान क्यों लड़खड़ा रही? हुजूर, दूधा बेगम ने होली खेलते हुए उन्होंने वजीरे आलिया महामंगा को होली के रंग से परो बाहर कर दिया है। वजीरे आलिया सख्ती में है। हॉल वाला कुवत, ये तो कुफ्र है, ये तो गुस्ताखी है। और ये गुस्ताखी अगर शहंशाह की बेगम ने की हो तो ये गुनाह अजीम है। बड़ी मैं देखिए जना, आपकी बेगम जोधा ने आपकी बड़ी अम्मी की क्या हालत कर दी। शर्मिंदगी तो इतनी है कि मौलवी साहब से भी नजरें नहीं मिला सकते हो। आपने बेगम जोधा को निकाह के समय उनके मजहब, उनके त्योहार मनाने की सहूलियत दी थी, ये इज्जत नहीं दी थी आपने उन्हें कि वो हमारे मजहब में बताई गई पाबंदियों का मजाक उड़ाए। जोधा बेगम को होली खेलने की इजाजत सिर्फ इस उम्मीद से दी कि वो किसी की तकलीफ का सबब न बने। इसके लिए उन्हें होली अपने खाबगा में खेलनी चाहिए थी। महल के बगीचे में यूं रंग नहीं उछालना चाहिए था। चलाल, बाद के अब पहचान से जुदा होने के बाद हमने रंग और सेना से तौबा कर दिया। हमारे सादगी और नेकी को तार तार कर दिया आपकी बेगम जोधा ने। शायद आपको यह हादसा लगे, हमें लगता है कि बेगम जोधा ने ये जानबूझकर इरादतदार किया है। अनजाने में हो या जानबूझकर हो, उन्होंने हमारी बाकी पर कीचड़ उछाल दिया। चला, काश हमारे बस में होता तो वहीं पे खंजर भोग लेते अपने सीने में और मर जाते। लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपनी जिंदगी आपके और मुगल सल्तनत के नाम कर दी। हमारा इस पर भी कोई हक नहीं है जना। आपकी बेगम ने हमें जीते जी मार दिया, जीते जी मार डाला। महामंगा बजा फरमाती है शहंशाह, होली के रंगों से खेलना और इनके सफेद लिबास पर रंगों का उड़ाना बहुत बड़ा गुनाह है। कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। अनजाने में सही हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। महामंगा के दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी। खुला मारी भी है रानी सा, हमें इस तरह से बाहर बगीचे में होली खेलने का हट नहीं करना चाहिए था। हाँ, बगीचे के आसपास तो सभी आते रहते हैं ना। ये यहाँ आपकी पहली होली थी जोधा, इन सबके कारण उसका आनंद निराशा में बदल। इसमें तुम सबका कोई दोष नहीं है। तुम सब तो प्रयास कर रहे थे कि हम आमिर जैसे अनुभव करें। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हिमाकत की हद हो गई। बेगम हुई तो क्या, हमारे अम्मी जान के लिबास खराब करने की इजाजत मिल गई उसे। हम जलाल को मजबूर कर देंगे कि उसे कड़ी सजा दे ताकि आवाम के लिए एक मिसाल बन जाए कि कोई भी इंसान मुगलों के मजहब का मजाक ना उड़ा सके। ऐसी गलती तो जलाल की ही है, बहुत छूट दे रखी उसे, लगाम खींच के रखनी चाहिए थी उस बदसाद की।
लेकिन मेरे सरताज, जोधा बेगम कोई घोड़ा थोड़ी ना है। जलाल उसकी लगाम खींचे या ना खींचे, हम आपकी जबान जरूर काट निकालेंगे। आदम, क्या कर रहे हैं आप? दिमाग को जरा ठंडा रखिए। बेगम जोधा को सजा मिल गई, जलाल उन्हें आमेर भेज रहे हैं हमेशा के लिए। क्या? हाँ, वैसे भी बेगम जोधा को आमेर तो जाना ही था, जलाल ही उन्हें भेजने वाले थे। अब भी जलाल ही भेजेंगी, लेकिन इस बार नफरत से। और अगर बेगम जोधा यहाँ से शर्मिंदगी से रुखसत हो गई तो महल में वापस आने के रास्ते उनके लिए बंद हो जाएंगे और हम फिर से एक बार सुकून से रह पाएंगे और हरम में हमारा ही हुक्म चलेगा। दीवाने खास से खास मकसद से बुलाया गया। पिछले कुछ दिनों पर रोशनी डालने के बाद और हमारी जोधा बेगम से मसलत के बाद हमने ये फैसला लिया है कि जोधा बेगम को वापस उनके आमेर भेजा जाएगा। शहंशाह, जोधा आपकी बेगम है, आप इस तरह उन्हें कैसे वापस भेज सकते हैं? शहंशाह, आमिर के राजकुमारों पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें नजरबंद किया गया। आमिर में किसी ने प्रतिरोध नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर आज यदि आपकी अनुमति हो तो हम कुछ कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों को अनुमति नहीं है कि इस तरह बेटियों के ससुराल जाएं, मगर हम अपनी सारी परंपराओं को तोड़कर यहाँ पर भरी सभा में उपस्थित हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माए जब बेटियों को विदा करती हैं तो उनके पल्लू में एक सीख बांधकर उन्हें भेजती हैं कि अब से ससुराल ही उनका घर है। उनका पल्लू पकड़कर उन्हें वापस मायके नहीं ले जाया करती। यदि जोधा से कोई भूल या कोई अपराध हुआ हो तो अगर गुनाहों की फहरिस्त ना ही खोली जाए तो बेहतर होगा रानी साहिबा। आमिर के शहजादों को नजर कैद करना एक शहंशाह का फर्ज था और जोधा बेगम को वापस आमिर भेजा जाए ये एक शौहर का फर्ज है और वो खुद वापस वहां पे जाना चाहती हैं। ये हम क्या सुन रहे जोधा? तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा आई भी तो कैसी? भूल गई कितना बड़ा मूल्य चुकाया है आमिर ने इस संबंध के लिए? राजवंशों का क्रोध, अपनी ही जाति के लोगों की उपेक्षा, उनका अपमान सहाया तुम्हारे पापोसा ने, तुम्हारी छोटी बहन सुकन्या के संबंध तक का समझौता किया है हमने इस संबंध के लिए। हम तुम्हारी माँ हैं, मगर ये मत भूलो जोधा कि हमारी दो बेटियां और भी हैं, और इस संबंध विच्छेद के कारण यदि हमारी उन दोनों बेटियों के संबंध में कोई आंच आए तो ये हमें स्वीकार नहीं। तुम्हारे पापोसा का सर पूरे भारतवर्ष के सामने फिर से झुके, ये हमें स्वीकार नहीं। तुम्हारा अपना बलिदान व्यर्थ जाए, ये हमें स्वीकार नहीं। आमिर पर फिर से कोई आ जाए, ये हमें स्वीकार नहीं। जोधा, पति पत्नी के बीच अनबन होती है, पर इसका ये अर्थ नहीं कि तुम अपने मायके लौट आओ। तुम्हें अपने पति को समझने की आवश्यकता है, उन्हें बदलने की आवश्यकता है। हर सवाल का हल होता है जोधा, और तुम्हें वो हल ढूंढना होगा। भले ही तुम्हें आज लगे कि तुम्हारा मासा का हृदय पत्थर का बन गया है, भले आज के बाद तुम हमारा मुख कभी न देखना चाहो, मगर तुम इस तरह आमिर नहीं लौट सकती। हर तीज त्योहार में हमारे यहाँ बेटी की राह देखी जाती है, मगर वही बेटी अगर परित्यक्ता के रूप में वापस आए तो हम वो राह बंद कर देते हैं। आमिर तुम्हारा मायका था और रहेगा, मगर आगरा ही तुम्हारा घर है। दुखी हो जोधा, क्योंकि तुम्हारी मासा ने तुम्हें आमिर ले जाने के लिए मना कर दिया?
परंतु उन्होंने ठीक ही किया है, क्योंकि अगर तुम आमेर चली जाती तो आमेर को कितना अपमान सहना पड़ता, तुम्हारी बहन सुकन्या का विवाह होते होते रुक जाता। जोधा, ये मत भूलो कि तुम्हारे अलावा दो और बेटियां हैं तुम्हारे माता पिता की। घुट कर मरने से तो हम जीवन भर अपने मासा बापुसा की सेवा करते, उनके साथ रहते। और फिर किस अधिकार से तुम आमेर जाती जोधा? अग्नि को साक्षी मानकर तुमने वचन दिए हैं, और क्या उसे निभाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? यदि तुम्हारा विवाह मुगलों में ना होकर किसी राजवंशी से हुआ होता, क्या तब भी तुम अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके लौट जाती? तो क्या उदाहरण प्रस्तुत करती तुम बाकी सबके सामने? जोधा, अब तुम आगरा की बेगम हो, यहाँ की रीति नीति और संस्कार को समझो और उसे अपनाओ। अपने पति के इच्छानुसार कार्य करना, यही तुम्हारा धर्म है। और शहंशाह का धर्म क्या है? अन्याय करना। एक पति का धर्म उसका दायित्व क्या है? अपनी पत्नी को नीचा दिखाना, उसका अपमान करना। अग्नि के फेरे लेकर उन्होंने भी हमें वचन दिए थे कि वो हमें प्रसन्न रखेंगे, हमारा विश्वास करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे। उन्होंने अपना कौन सा वचन निभा लिया? ना तो हमें आमेर का छोड़ा, ना ही आगरा में अपनाया। वाह जोधा वाह, तुम ऐसी सोच रखती हो शहंशाह के लिए। प्रारंभ तुमने किया, तुम घृणा लेकर आई थी अपने मन में, तुमने कभी उन्हें नहीं अपनाया। उन्होंने तो तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हें अपने धर्म में बने रहने की अनुमति दी, तुम्हारी पूजा अर्चना में कभी कोई रोक नहीं डाली, यहाँ तक कि तुम्हें होली खेलने की भी अनुमति दी, और फिर भी तुम शहंशाह के विषय में ऐसा सोचती हो? फिर तो सच में तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ना तो तुम यहाँ के संस्कृति को समझ पाई हो और ना ही उसे अपना पाई हो, ना तो तुम्हें यहाँ के लोग समझ आते हैं और ना ही उनकी नीतियाँ। बार बार विद्रोह करके अपने आप को और दूसरों को दुखी करना बंद करो और आमेर लौट जाओ। नहीं जोधा, तुम आमेर नहीं लौट सकती। तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें इतना प्रेम दिया है, सम्मान दिया है, तुम उनके दुख और अपमान का कारण नहीं बन सकती। तुम आमेर नहीं लौट सकती। नहीं जोधा, आगरा में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, तुम्हें आमेर जाना ही होगा। नहीं जोधा, आमेर से अब तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, संबंध आगरा से भी नहीं है। चली जाओ यहाँ से। नहीं, तुम आमेर नहीं लौट सकती। नहीं जोधा, तुम आमेर नहीं लौट सकती। तुम्हें आमेर आगरा में तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तुम आमेर नहीं लौट सकती आगरा से। आगरा में तुम्हारा, चली जाओ यहाँ से, तुम्हें आमेर जाना ही होगा। बेगम गायब है। अम्मी जान, कुछ शाही महल से कैसे गायब हो सकता है? बहरहाल अतसाई फौरन सनी को हुक्म दिया जाए कि वो जोधा बेगम की तलाश शुरू करते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कितनी टुकड़ियां लगें, लेकिन हमें हर हाल में जोधा बेगम की खबर चाहिए। सल्तनत की बेगम बिना किसी को इत्तला किए महल से चली जाए, ये ना तहजीब है ना कायदा। तुम हंस रही हो रुकैया। तो और क्या करें, आपने बात ही ऐसी कही है जलाल। जरा जोधा की हालत पर गौर करें, वो शहंशाह को तो ठुकरा चुकी है और उसके वालदेन ने उसे ठुकरा दिया है। जिस औरत के पास ना ही शौहर की मोहब्बत हो और ना ही वालदेन का सहारा, उसके लिए कायदे और तहजीब क्या मायने रखते हैं? पर ये हमारे लिए मायने रखता है रुकैया। मुगल सल्तनत की इज्जत और उसका रुतबा हमारी जिम्मेदारी है, और उसे बरकरार रखने के लिए जोधा बेगम का मिलना बेहद जरूरी। एक मर्द के लिए बहुत मुश्किल होता है एक औरत के दिल की बात जानना, लेकिन हाँ, एक औरत होने के नाते हम आपको इशारा दे सकते हैं। जिस औरत के पास ना कोई रास्ता हो, ना कोई मंजिल, ना कश्ती हो ना साहिल, ना जीने का कोई सहारा हो, ना जीने की कोई वजह, वो औरत अक्सर अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है, चाहे वो किसी भी सल्तनत की बेगम ही क्यों ना हो। और उनके यहाँ तो रस्म भी है अपने आप को जलाकर खत्म कर देना। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।